आज इनका लास्ट पेपर है, खुश हो रहे हैं स्कूल जाते समय। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, मंजर जैसा ब्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे से है और अभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल। आज इनका लास्ट पेपर है, बड़े खुश हो गए जा रहे हैं। आज पेपर ख़त्म हो रहा है, उसके बाद छुट्टी है करके। बहुत आने लग गया, आज लास्ट पेपर है। कैसा लग रहा है फिर? खुशी हो रहा है या दुखी हो रहा है? कैसा लग रहा है? बता रहा, बढ़िया बढ़िया लिखा है। और तुझे अच्छा लग रहा है? अच्छा, इतना ही? और ज़्यादा लगना चाहिए यार, फिर तुमको तो थोड़ा लास्ट पेपर है करके ना। चलो फिर ले। बच्चे गए स्कूल और नाश्ता करके मैं एक डिब्बा काटती हूँ। ये इन्वर्टर में डालने वाला पानी, डिस्ट वाटर, और इसका बोतल है ये। फिर मैं इसको काट के यहाँ से छेद कर रही हूँ चाकू गरम करके, और यहाँ से भी काटूँगी। फिर इसमें कुछ बोऊंगी, एक मिर्च या टमाटर कुछ भी हो जाता है। ये चाकू से प्लास्टिक काट काट के काला हो गया है। ये मेरा ऐसे ही प्लास्टिक ऐसे काटने वाला है। बोतल बोतल जैसे जार होते हैं 5 लीटर के, उसको भी काटती हूँ मैं। हाँ, अभी दक्ष और मैं यहाँ बैठ के हवा खा रहे हैं, बाहर बैठ के ना हवा खा रहे हैं ना। हाँ बोल। हाँ चल, विजय करते एक बार और। और क्या खाया तूने? क्या खाया तूने? रोटी खाया? बोल। रोटी खाया? बोल। कुछ नहीं खाया ना। दादा कहाँ है? कहाँ? स्कूल? बोल स्कूल गया दादा? हाँ, मंगू दादा कहाँ है? अभी स्कूल से घर आएंगे, फिर तू भी जाएगा। हाँ, आधे रास्ते में लेने है। अभी दादा लोगों को लेने जाएगा। हाँ, गेट खोल तब तक दादा लोग आ जाएंगे। हाँ, ये बंदूक यहाँ रख, नीचे रख। दक्ष वो गेट खोल, फिर तेरा दादा आ रहा है वो स्कूल से। अरे आजकल डर लग रहा है तुझे, खोल दो। खोल, कैसे खोलते हैं गेट? बंदूक नीचे रख, बंदूक नीचे रख। तो खोल, जल्दी खोल, फटाफट खोल, दादा आ रहा है। शाबाश। ओए, आजकल डर गया ना, एक दिन चोट लगा था ना तेरे को। चल एक बार और कर कोशिश, कोशिश कर। एक बार और कोशिश कर तो। नहीं खुल रहा? चल। यहाँ से दादा बोलना। हाँ दादा बोल तो, वो नीचे पीछे धरती में देख। और खोल गेट, खोल। दादा बोल, दादा बोल। हाँ दादा बोल। आ गया होशियार लोग, पेपर खत्म हो गया स्कूल से। 35 मार्क्स। कैसा हुआ? 35 मार्क्स। हाँ, इतना आने वाला है। और मंकू का, मंकू का कितना आने वाला बेटा? 40 50 में से 40। अच्छा, फुल मार्क्स बिल्कुल ही नहीं आने वाले हैं, मतलब दोनों का। ओ बाबू तो होशियार। चल अंदर चल, दरवाज़ा खोल। दादा बोल, दरवाज़ा खोलो, बोल खोलो, बोल दादा को। हाँ कितना? हाँ
फिर क्या हो रहा है तेरे को? आज से क्या है तेरे? कैसा लग रहा है फिर? मस्त लग रहा है। हाँ बिल्कुल खुश हो गया है ना फिर आज तो स्कूल से घर। देखो नीचा फोर्टी में। अच्छा फोर्टी में आज तो बढ़िया लिखा है यार भाव ने ना। ये बाप रे, तूने कितने सेकंड में किया मंकू कॉपी पूरा? नहीं मैंने एक मिनट में कर दिया पूरा। हाँ पूरे पूरे कोचिंग से अंतर कर रखे हैं बस। अच्छा बाप रे, आज तो भाव बड़े रौप में है यार आज तो। क्यों क्यों हमारे मैच में बताओ। हाँ हमें मैच में बताओ। 20 27 34। मत कर मत कूट बेटा। 85। डॉक्टर तू भी क्यों खुश हो रहा है? तेरा भी हुआ है क्या पेपर खत्म? अभी शाम के टाइम पे हम ये चने के टुकड़े तोड़ रहे हैं और उस दिन खाए थे अच्छा हुआ था फिर और दोबारा खा रहे हैं। आज इनको सिखा रहा हूँ खाना, इन्होंने नहीं खाया था ना उस दिन, तब आज ये लोग खा रहे हैं। एक और आ रहे हैं अभी और ये दो आंटियाँ तोड़ रहे हैं, तब तो खत्म हो जाने वाला है। आजा बोला तो खत्म हो जाए फिर अभी लिया जरूर खा लिया। ये लिया जरूर जल्दी और तू खत्म होने भी जाली लेते। इतना अच्छा हुआ था ना आलू के साथ मिला के जल्दी। अभी शाम हो गया है रात और मैं बना रही हूँ खाना। अब मैं बनाती हूँ रोटी सब्जी नहीं खाते हैं बोल रहे बच्चे, मारा खाते हैं बोल रहे हैं। अब मैं बनाऊँगी पहले आज पहले सूजी भी खाती हूँ, ये सूजी है और इसको भी खाती हूँ थोड़ी देर में। फिर थोड़ा चावल का आटा मिलाऊँगी और थोड़ा ये वाला खाली गेहूँ का आटा मिलाऊँगी उसमें, फिर चीनी डाल के फिर मारा बनाती हूँ मैं इनके लिए। वही खाते हैं बोल रहे हैं, आज रोटी सब्जी खाने का मन ही नहीं है। अब बन गया मेरा ये और मट्ठा भी बनाया मैंने इसमें, अच्छा हिला हिला के बनाती हूँ इसमें मट्ठा ये। और ये बन गया हमारा बनाने के लिए, इसको इतना इतना गाढ़ा गाढ़ा बनाती हूँ। सूजी डाल के थोड़ा अलग जैसा दिख रहा है बना के कैसा रहता है, चीनी डाल के फिर ज़्यादा वो जैसे फट जैसा गया आटा, क्योंकि हम नमक वाला अच्छा नहीं मानते हैं ना, खाते ही नहीं हैं नमक वाला, खाने में स्वाद ही नहीं आता है। तब हम चीनी डाल के बनाती हूँ मैं हमारा, थोड़ा चटनी लगाएंगे उसमें बच्चे खा लेते हैं, मैं भी खा ही लेती हूँ। मारा बनाने से पहले तेल लगाना पड़ता है उसमें, ये तेल है सफोला वाला तेल से बनाती हूँ, घी से नहीं बनाती हूँ, धुआं धुआं होता है और इतना घी भी कहाँ, इतना पराठा बनाने तक अच्छे होते हैं तेल में भी, बढ़िया स्वाद आते हैं। इसको फैला के गाढ़ा गाढ़ा सा आटा बनाया फिर ऐसे फैला के फिर किनारे किनारे से तेल लगा के अच्छे से तेल लगा के बढ़िया करके फिर पलट जाते हैं, और ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाओ जैसे इसका आटा तो चिपक जाते हैं उसमें, पलटते ही नहीं है। ये बन गया मेरा मारा, अब इसमें ऊपर से तेल लगाऊंगी। थोड़ा इधर साइड पका के और इधर साइड भी, इधर साइड भी तेल लग गया। इसको अच्छे से पकाऊंगी नीचे से तो बन जाएगा। एक ये बना है, एक इतना पकाऊंगी मैं इसके पीछे भी, ये आगे से बन गया मेरा मारा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।